मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन से हम आत्माए राजन बने और शासन। ओम शांति। बंगाल के एक कवि ने कुछ इस तरह लिखा है, हजार पोछोर धोरे कोती नदी प्रांतर बेरिए गेलाम ए चोलार माने तोबू बोझा गेलो ना आमी हारिए गेलाम आमी हारिए गेलाम। अर्थात हजारों वर्ष से मैं चल रहा हूँ, हजारों वर्ष से मैंने कई प्रांत कई वन पार किए कितनी नदियां पार की, परंतु चलने का क्या अर्थ है अब तक मेरी समझ में नहीं आया। आमी हारिए गेलाम, मैं हार गया हूँ, हार ही गया हूँ। चलना जारी है पर क्यों चल रहा हूँ और चलने का अर्थ क्या है, चलना किसे कहा जाता है वो मुझे पता नहीं। कौन चल रहा है इसका भी अज्ञान है, क्यों चल रहा है ये भी पता नहीं, और ये जानते जानते मैं हार गया हूं। विज्ञान अस्तित्व को दो भागों में विभाजित करता है, एक ज्ञात और एक अज्ञात। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात है, और जो आज अज्ञात है कल ज्ञात होगा। विज्ञान के पास ये दो विभाजन है, परंतु धर्म अस्तित्व को तीन भागों में विभाजित करता है, एक ज्ञात जो पता नहीं, दूसरा अज्ञात। एक ज्ञात जो पता है, दूसरा अज्ञात जो पता नहीं, और तीसरा अज्ञेय जो कभी भी जाना नहीं जा सकता, वो हमेशा ही रहस्य रहेगा। केवल भ्रम होगा कि जाना है, परंतु जान नहीं पाएंगे। अस्तित्व की ये एक बेबूज पहेली है, ऐसी एक पहेली की चर्चा आज बाबा ने की है। कौन सी? मैं कौन। सूचनाएं बहुत प्राप्त की, आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, परम धाम से आई हूं, परम धाम जाना है, दूसरों को सिखाया समझाया, परंतु
यदि हर एक अपने आप से पूछे कि क्या वास्तव में मैंने ये जाना है मैं कौन हूं, तो शायद उत्तर नकार में होगा। बाबा ने कहा ये पहली अब तक बनी हुई है, मैं कौन, वो जो मैं है असंख्य परतों में ढका हुआ है, वो जो मैं है बहुत सारी परते उसके ऊपर है और उस झूठे मैंने उस वास्तविक मैं को ढक लिया है। इसलिए ये अभी तक पहली है, रिडल है, पजल है कि मैं कौन हूं। बाबा ने कहा यह स्मृति क्या है, चाबी है, अथॉरिटी की चाबी है ये स्मृति। जैसे वो भक्त माला फेरते रहते हैं, तुम कौन सी माला फेरो, मैं कौन की माला। किसी ने किया ये अभ्यास, माला ले लो 108 की और जादू करो, कितने समान याद आते हैं, डबल ना होने चाहिए। ये एक अच्छा अभ्यास है, माला ले लो और फेरना चालू, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, और संकल्प कि जब तक पूरी ना हो जाए 108 की रुकना नहीं है। उससे पता चलेगा बुद्धि में कितने समान भरे हैं। प्रश्न ज्ञान और अज्ञान का नहीं, प्रश्न होश और बेहोशी का है। ज्ञानी कौन नहीं है, सभी ज्ञानी है, सभी के पास ज्ञान है, प्रश्न है होश का और बेहोशी का। अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं और क्या समझते हैं, हम जाग रहे हैं, मैं जागा हुआ हूं, और माया कर क्या करती है, चाबी को चुरा करते जाती है। जागती ज्योत ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कोई अथॉरिटी नहीं। तो एक ही प्रश्न है, हु आई एम आई, मैं कौन हूं। अव्यक्त महावाक्य है कि जब तुम स्वयं को जान जाओगे संपूर्ण रीति से, तब संपूर्ण बन जाओगे, परंतु शायद नहीं जाना है। बाबा ने कहा माला फिराते जाओ, मैं कौन। उसमें न केवल समान आए परंतु सब कुछ जो मैं हूं और जो जो झूठ है और जो जो आडंबर है और जो जो मैंने अपने आप को मान लिया है या जो जो दूसरे मुझे मानते हैं, वो मैं नहीं, मैं कोई और हूं। उस मैं की तलाश धर्म है, वो जो अज्ञेय है, जिसे शास्त्र कहते हैं कभी भी जाना नहीं जा सकता, उसको जानना। और वो जानना किसी पुस्तक से नहीं होगा, वो जानना केवल पढ़कर भी नहीं होगा, वो जानना तोता रटन से नहीं होगा, वो जानना पुनरुक्ति से नहीं होगा, वो जानना अनुभव से होगा। मैं कौन हूं का अनुभव शायद अब तक अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए देह से इतना तदात्म्य है। मैं कौन और मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन और किस ओर जा रहा हूं। कवि ने क्या कहा, आमी हरिये गेलाम, आमी हरिये गेलाम, मैं हार चुका हूं सोच सोच कर,
विज्ञान के सबसे बड़े वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक होगा जिसने हजार से भी अधिक खोजें की और सबसे बड़ी खोज इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इलेक्ट्रिसिटी। वो एक बार एक स्कूल में जाता है, अब बूढ़ा हो चुका है और उस स्कूल में प्रदर्शनी लगी हुई है। उस पाठशाला के बच्चों ने भांति भांति के यंत्र बनाए हैं जो विद्युत से चलते हैं। किसी ने जहाज बनाया, किसी ने कोई गाड़ी, किसी ने और कोई यंत्र। तो एडिसन वहां जाता है और किसी को ये नहीं पता रहता है कि ये एडिसन है। और वो छोटे बच्चों से मिलता है और वो छोटे बच्चे उसे समझाने लगते हैं, ये देखो कैसी नाव है, ये विद्युत पर चलती है। तो वो पूछता है व्हाट इज विद्युत, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो वो बच्चे उसको समझाते हैं, ये देखो ये जो नाव है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एडिसन कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये नाव कैसी चलती है, मैं ये पूछ रहा हूं ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। तो वो छोटे बच्चे हैरान हो जाते हैं, वो कहते हमें नहीं पता, हम अपने टीचर को बुला के लाते हैं। तो वो अपने शिक्षक को बुला कर लाते हैं और शिक्षक से एडिसन पूछता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो शिक्षक फिर वही बताने लगता है कि कैसे चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वो कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। वो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, हम तो स्नातक है, ग्रेजुएट्स, हमारे जो प्रिंसिपल है शायद वो जानते होंगे। तो प्रिंसिपल को बुलाया जाता है, तो प्रिंसिपल को वो पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। प्रिंसिपल कहते हैं मुझे ये तो पता है इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या फायदे हैं, लाइट फैन, पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो मुझे नहीं पता। एडिसन कहता है कोई बात नहीं, मैं एडिसन हूं, इस इलेक्ट्रिसिटी का जनक, और मुझे भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। कुछ बातें अज्ञात ही रह जाती है, परंतु खोज है जानने की, अभिप्सा है जानने की, है क्या। और जैसे कहा विज्ञान में दो ही बातें हैं, ज्ञात और अज्ञात, पर धर्म में तीसरा आयाम है अज्ञेय। आत्मा को अज्ञेय कहा गया, प्रकृति को अज्ञेय कहा गया, परमात्मा को भी अज्ञेय कहा गया। और हम जो इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, क्या छाती ठोक कर हम ये कह सकते हैं कि मैंने आत्मा को जान लिया? शायद नहीं, क्योंकि जानना केवल सुनने से नहीं, अनुभव से होगा, केवल अध्ययन से नहीं, अनुभव से होगा। किसी एक अज्ञात क्षण में अचानक देह का संपूर्ण विस्मरण और यह प्रतीति कि मैं वो हूं, मैं वो ज्योतिर्मयी हूं। तो बाबा ने कहा यह स्मृति मैं कौन, इसकी माला फेरो। माला है कि सबके पास, स्थूल माला की बात कर रहे हैं, यह भक्ति मार्ग की बातें छोड़ दी सारी, पड़ी है तो उसको निकालो, ट्राई करके देखो, अच्छा अनुभव, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा प्रयोग है ये योग का। कितना हमको याद आता है मैं कौन। तो बाबा ने कहा जब ये विस्मृति हो जाती है, ये चाबी चोरी हो जाती है स्मृति की, तब क्या करते हो, किस में सो जाते हो? अलबेलेपन की नींद में सो जाते हो, गहरी नींद में सो जाते हो, कि जिसमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं जाग रहा हूं पर हो सो रहे। अलबेलापन
मन से संबंधित है, आलस शरीर से, पता सब है, परंतु बेहोशी की जो अवस्था है वो अलबेलापन है। किसी एक गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा होता है और सभी गांव वालों को कहा जाता है कि सभी अपना श्रम दान दे, क्योंकि ये जो मंदिर बन रहा है किसी एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, सभी इसमें दान दे। और जब एक व्यक्ति मंदिर बनाता है तो अहंकार का मंदिर होता है वो। इसलिए बताया सबको कि सब लोग श्रम दान दे, तो सारे गांव वाले आ जाते हैं और मंदिर बनाने में मदद करते। कोई ईंट उठाता है, कोई पत्थर, पर एक युवक होता है झाड़ के पास खड़ा हुआ उदास। कई देर तक लोग उसे देखते और फिर पूछते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं मदद करते, तुम क्यों नहीं श्रम दान देते। तो वो कहता है मैं कैसे दूं, खाली पेट, पेट में कुछ भी नहीं है, क्या भूखा व्यक्ति कोई श्रम दान दे सकता है, कोई मदद कर सकता है। तो गांव वालों को रहम आ जाता है उसके ऊपर और अपने घर ले जाते हैं, उसे भरपेट खाना खिलाते हैं और वापस आ जाते हैं। सारे गांव वाले फिर से काम करने में लग जाते, परंतु ये युवक अभी भी उसी झाड़ के नीचे खड़ा है और उदास है। कुछ देर के बाद लोग उससे पूछते अब क्या हुआ, वो कहता है अभी अभी तो खाना खाया और पेट भरा हुआ है, क्या भरे पेट से भी कभी श्रमदान दिया जा सकता है, पहले नहीं दे रहा था क्योंकि खाली था, अब नहीं दे रहा है क्योंकि भरा है। मन हजार मार्ग ढूंढ लेता है आलस्य के, और जिसे हम ये कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मैं तो ऐसा ही करता हूं, हमारे यहां पर ऐसा ही होता है, शायद मन की ही चालबाजी है। हजार हजार तरीके से मन भागना चाहता है, परंतु खुद को पलायनवादी नहीं कहना चाहता, ढूंढना है किस गहरी नींद में मैं सोया हूं, जागती ज्योत बनना है, होश में आना है। प्रश्न है केवल होश और बेहोशी का। ज्ञानियों की सभा में कोई होश में है, कोई बेहोश है। तो आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, क्या कहा, सभा का वर्णन किया, स्वराज्य का वर्णन किया, और बाबा को कुछ बातें अच्छी लगती है उसका वर्णन किया। ये तीन बातें हैं, स्वराज्य की आठ बातें हैं, बाबा को जो अच्छा लगता है वो नौ बातें हैं, और सभा की दस बातें हैं, आठ नौ और दस। तो सबसे पहले चालू करते हैं स्वराज्य से। स्वराज्य से क्या होता है, क्या होता है स्वराज्य से? स्वराज्य अर्थात स्व पर नियंत्रण, स्वराज्य अर्थात सेल्फ कंट्रोल, स्वराज्य अर्थात स्व पर अनुशासन। स्वराज्य किस पर? स्वयं पर। किन किन बातों पर स्वराज्य चाहिए? कर्मेंद्रिय, संकल्प, बोल, कर्म, चलन, इच्छाएं, संबंध, संपर्क, डिजिटल कंट्रोल, इमोशन, ये सब बातों पर स्वराज्य, संस्कारों पर स्वराज्य। क्योंकि ये स्वराज्य जब छिन जाएगा तो वो सारे चीजें नहीं होगी जो मुरली में कही है, आठ बातें गिनाई है बाबा ने। स्वराज्य से ये आठ चीजें होगी, कुछ कुछ बातें यहां की है, कुछ कुछ भविष्य की है, परंतु जो भविष्य की है उनका भी अनुभव अभी होगा। स्वयं की तृष्णाएं और इच्छाओं पर अंकुश लगाना, स्वयं के भटकते मन को वश में करना, स्वयं की इंद्रियों को
अपने वश में रखना, स्वराज्य अर्थात राजा बनना, स्वयं का राजा। राजा अर्थात, राजा कैसा होता है? शक्तिशाली, प्रतापी, शूर, तेजस्वी होता है, निर्भय होता है, प्रजापालक होता है, धर्माधिकारी होता है, न्यायधीश होता है, न्यायशील होता है, न्यायप्रिय होता है, प्रजावत्सल होता है। वैसे मैं आत्मा राजा हूं। राजाओं की सभा है, राजाओं की पाठशाला है, राजाओं की यूनिवर्सिटी है, देवत्व अंदर छिपा है। उस देवत्व को प्रकट करने की यह पाठशाला है। तो राजा बनना है। वो राजा जिस पर प्रजा राज्य करे उसे क्या कहेंगे? वो राजा जो कमजोर है और बात बात में भयभीत होता है और भागता है उसे क्या कहेंगे? वो राजा हर आक्रमण से भयभीत हो जाता है, वो राजा जिसका अपनी प्रजा पर नियंत्रण नहीं, मन बुद्धि और संस्कारों पर जिसका नियंत्रण वो राजा, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण वो राजा, भाव और भावनाओं पर जिसका नियंत्रण वो राजा, अपनी कल्पना और कल्पनाशीलता पर जिसका नियंत्रण वो राजा, अपनी इच्छाओं पर जिसका नियंत्रण वो राजा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जिसके पास है वो राजा। तो स्वराज्य की कौन सी आठ बातें बताई बाबा ने? क्या करता है स्वराज्य? पहला, अभी स्वराज्य अधिकारी है वो क्या बनेंगे? विश्वराज्य अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जिसने स्वयं को चलाना नहीं सीखा वो विश्व को क्या चलाएगा? तो अभी जहां पर संयम है, अभी जहां पर आत्मनिरह नियंत्रण है, अभी जिसके पास आत्मनिग्रह है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंड, अभी जो भोग और विलासिता में डूबा हुआ नहीं है, अभी जिसका जीवन तापसी है, अभी जहां पर सर्व इंद्रिया वश में है, वो स्वराज्य अधिकारी है। और जो इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों के गुलाम है, इंद्रियों के मुरीद है और वासनाओं के अधीन है, दयनीय उनकी स्थिति है। जो अभी गुलाम, वो वहां राजा नहीं बन सकते। जिनका प्रशासन अभी नियंत्रित है वही राजा बनेंगे। तो सबसे पहली चीज स्वराज्य क्या करता है? विश्व राज्य अधिकारी बनाता है। दूसरा, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ अभी बनाएगा। अभी इसी संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिकाल का ज्ञान अभी होगा। कल क्या होने वाला है आज पता चलेगा। कल क्या माया आने वाली है उसका ज्ञान पहले ही हो जाएगा और सतर्क हो जाएंगे, फिर वो असतर्कता नहीं होगी। तीसरा, नेत्र खुला रहेगा। जो केवल आत्मा को देखेगा, देह की ओर दृष्टि नहीं जाएगी और देह खींचेगा नहीं और देह की वासनाओं में लिप्त नहीं होगा चित्त। त्रिलोकीनाथ, अभी ही त्रिलोक का गमन जो करते हैं, त्रिलोक में विचरण करते हैं, अभी इसी देह में होते हुए वो त्रिलोकीनाथ। तो जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्वराज्य अधिकारी होंगे। एक, जो स्वराज्य अधिकारी है वो त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी होंगे। त्रिकाल का दर्शन होगा। वैसे जैसे भविष्य वर्तमान का अभी दर्शन हो रहा है, वैसे भविष्य का भी दर्शन, भविष्य के दिग्दर्शक होंगे वो। ये दूसरा। तीसरा, कोटों में कोई और कोई में कोई विशेष आत्मा बन जाएंगे वो, जो स्वराज्य अधिकारी होंगे। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सॉवरेनिटी जिनके पास होगी, स्वयं को जिसने नियंत्रित करना सीख लिया, जिसका स्वयं का ही मन अनियंत्रित है, वो शायद कुछ भी ना कर पाए क्योंकि बुद्धि भटकती रहेगी। एक व्यक्ति
एक घोड़े पर तेज भागते रहता है। एक व्यक्ति उसको पूछता है, कहाँ जा रहे हैं आप? वो कहते हैं, मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं, घोड़ा भाग ले जा रहा है, उसको पूछो कहाँ जा रहे हैं। कोई हमसे अगर कहे तुम कहाँ जा रहे हो, हम क्या कहेंगे? क्या मैं वही जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, या मन अपनी आदतों के अनुसार वही पुराने ढर्रों पर उन्हीं वीथियों में भटक रहा है, उन्हीं मार्गों पर जा रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए? तो तीसरा है, कोटों में कोई और कोई में कोई बना देता है, रेयर बना देगा, सामान्य नहीं, आम नहीं, असाधारण। कौन? स्वराज्य। ये तीसरा। चौथा, बाप के तख्त नशीन बना देगा, भगवान को प्रिय होगा वो, जिसका जीवन अनियंत्रित है वो भगवान को प्रिय नहीं है, जिसके जीवन में कोई दिनचर्या नहीं, जब चाहो तब उठना और जब चाहो वो करना, भगवान को नियंत्रण प्रिय है, क्योंकि वो स्वयं संयम की प्रतिमूर्ति है, वो स्वयं संयम का शिखर है, सागर है संयम का। कितना बोलना और कितना नहीं बोलना नपे तुले उसके शब्द है, विराट संयम का सागर। संयम बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, परंतु हम उसको यदि देखें, संयमित है वो, या कभी भी आता है और कभी जाता है, ऐसा है तो दिल तक तो नशीन बना देता है। चौथा, पांचवा, गले की माला, बाप के गले की माला बना देता है स्वराज्य, अर्थात उसकी शोभा भगवान की शोभा बन जाए, जो आत्म संयम का पालन करते हैं, निग्रह का पालन करते हैं, वो भगवान के गले की माला है, अर्थात भगवान की शोभा है, भगवान को भी नाज है उनके ऊपर। अगला, भक्तों के सिमरन की माला, भक्त तो उनका सिमरन करेंगे द्वापर से, जो अभी संयमित होंगे, जो अभी सेल्फ कंट्रोल करेंगे, भक्तों के लिए आदर्श होंगे वो। अगला, खजाने, सर्व प्राप्तियों के खजाने उनको सतयुग में नहीं अभी मिलेंगे, क्योंकि संयम से सूक्ष्म प्राप्तियां है, संयम से मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन ज्ञान को तुरंत अर्जित करेगा, ज्ञान का अर्जन सुलभ सहज होगा। आठवा, स्वराज से क्या होगा? अचल, अटल, अखंड अधिकार प्राप्त होगा। कौन सा अधिकार? अचल अधिकार, जो हिलेगा नहीं, जो चलायमान नहीं होगा, अखंड, जो खंडित नहीं होगा, अटल, जो कभी टल नहीं सकता, ऐसा अधिकार, ऐसा राइट उन्हें प्राप्त होगा। तो ये सारी कौन सी बातें थी? स्वराज्य के फायदे कौन कौन से? सबसे पहला, स्वराज्य से क्या होगा? विश्व राज्य अधिकार मिलेगा। दूसरा, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी नाथ का अनुभव अभी होगा संगम पर, नाउ अनुभव होगा त्रिनेत्र का, अनुभव होगा त्रिनेत्र से विकारों को भस्म करने का, ज्वाला प्रकट होगी यहां आंख। तीसरा, कोटों में कोई बन जाएंगे और कोई में भी कोई, ऐसी विशेष आत्मा बन जाएगी। चौथा, दिल तख्त नशीन, बाप का प्रिय, बाप के गले की माला, भक्तों के सिमरन की माला, सर्व खजाने, सर्व अधिकार, ऐसी ये आठ बातें होगी स्वराज्य से। दूसरा, बाबा को क्या अच्छा लगता है? नौ बातें, क्या क्या अच्छा लगता है उसको?
फेवरेट चीजें कौन कौन सी है उसकी? मिलन। सबसे पहली प्यारी थी प्यारी चीज कौन सी है? बाबा को बच्चों से मिलन मनाने मनाना, ये सबसे प्रिय चीज है। दूसरा, बच्चों का आह्वान करना। क्या करता है बाप? बच्चों का आह्वान करता है। मिलन मनाना सबसे प्रिय, चाहे व्यक्त या अव्यक्त। तीसरा, उसकी दिनचर्या में यह विशेष कार्य है। किसकी दिनचर्या में? तो भगवान की क्या दिनचर्या? अभी ये दूसरा प्रश्न है। उसकी दिनचर्या कितने बजे उठता है? सोता ही नहीं। उठने के बाद क्या करता है? घूमने फिरने क्या जाता है? खाता क्या है? पीता क्या है? दिनचर्या। बाबा ने कहा बाप की दिनचर्या में ये विशेष काम है सबसे, बच्चों से मिलन मनाना। क्या उसकी भी कोई दिनचर्या है? दिनचर्या है या रात्रिचर्या है, या दिन और रात से परे कौन सी चर्या है फिर उसकी? ब्रह्मचर्या। वो ब्रह्म में रहता है ना, तो कौन सी चर्या है उसकी? कितना अच्छा विषय है, भगवान की दिनचर्या क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है, सुबह से रात तक वो क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, किस किस से मिलता है, किस किस की सुनता है और किसकी नहीं सुनता। भगवान की दिनचर्या में विशेष कार्य है बच्चों से मिलन मनाना। तो बाबा को ये तीन चीजें पसंद है, आह्वान करना, बच्चों से मिलन मनाना, और उसकी दिनचर्या का विशेष कार्य है फिर से मिलन मनाना, ये तीन। चौथा, मस्तक। चौथा क्या? चौथा क्या? उसको क्या क्या अच्छा लगता है? हो गया, उसको क्या क्या अच्छा लगता है? सबने मुरली सुनी है सुबह। स्मृति? स्मृति नहीं। उसको क्या क्या अच्छा लगता है? जो साइंस वाले हैं उनको क्या करता है? वो प्रेरित करता है। जो भगत है उनको क्या करता है? भावना का फल देता है। और जो संसार की आत्माएं हैं उनको क्या करता है? मुक्ति में भेजता है। क्या करता है उनको? मुक्ति में। क्यों? क्योंकि तुमको जीवन मुक्ति में जाना है, इसलिए उनको मुक्ति में भेजता है। ये उसके कार्य है। और उसको प्रिय कौन कौन से कार्य है? कौन कौन से कार्य प्रिय? बच्चों जरूर या नहीं, तीन चीजें और, पालना करना, सजाना और बाप समान बनाना। ऐसे नौ चीजें हैं बाबा को बहुत प्रिय है। बच्चों की पालना करना, एक एक को सजाना और एक एक को समान बनाना, यह हमारे लिए कर्तव्य है। कुछ कर्तव्य भक्तों के लिए, कुछ कर्तव्य विज्ञान वालों के लिए, कुछ कर्तव्य संसार की आत्माओं के लिए, और तीन कर्तव्य उसके अपने जो उसे ही प्रिय है। क्या करता है वो? बहुत अच्छा लगता है उसे बच्चों से मिलन मनाना। बाप को सुना सुना लगता है जब बच्चों से मिलन नहीं मनाते हैं तब। तो पहली आठ बातें स्वराज्य की, नौ बातें बाबा को क्या अच्छा लगता है, और अभी मुरली की शुरुआत। ये सभा कैसी है? पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। ये सभा कैसी है जिसमें बाबा आए हैं? कैसी सभा है? जिस सभा में वो उपस्थित हुआ है वो सभा कैसी है? स्वराज्य अधिकारियों की। और मुरली की शुरुआत यहां से है, आज बाप दादा, आगे तो बोलो सभा कैसी है? 10 बातें हैं,
एक तो बोलो, सभा कैसी है? तो सबसे पहला, यह सबसे बड़ी सभा है, बड़े ते बड़ी सभा है, इससे बड़ी सभा इस संसार में कहीं पर भी नहीं है। सबसे भव्य, सबसे विशाल यह सभा है। मुरली मेडिटेशन हॉल में, ओम शांति भवन में चल रही है 84 में, तब बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि ये जो सभा, जो सम्मुख बैठे हुए बच्चे हैं, ये सभा इस संसार की सबसे बड़ी सभा है। एक एक जो बैठा होगा उसके द्वारा कितनों का जन्म हुआ होगा आगे जाकर, इसलिए इतनी बड़ी सभा थी। एक एक में कितने हजारों होंगे, 84 में जो लोग बैठे थे वहां पर, जो भाई बहन है, उन एक एक के द्वारा कितनी सेवाएं होगी, हुई होगी। वो एक एक कन्या जो छोटी छोटी बैठी होगी, उसके आधार से वो निमित्त बनी होगी विशाल सेवा की। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये सभा सबसे बड़ी सभा है। दूसरा, ये सभा केवल संगम युग पर होती है और किसी युग में नहीं। सतयुग त्रेता में देवताओं की सभा होगी, द्वापर कलयुग में राजा महाराजाओं की सभा होगी, पर तुम बच्चों की सभा, बाप और बच्चों का मिलन की ये सभा और किसी युग में नहीं। तो ये सभा केवल और केवल संगम पर होती है। तीसरा, विश्व भर के ब्राह्मण आत्माओं की ये सभा है। किसकी सभा है? ये ब्राह्मण आत्माओं की सभा है। और चौथा, सभी अपनी संपूर्ण स्थिति में सेट है, उस रूहानी नशे में सब कौन है, बेफिक्र बादशाह है। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत जीवन। हर एक ब्राह्मण आत्मा यदि देखा जाए तो संसार की आत्माओं की तुलना में निश्चिंत है। संसार की आत्माएं दुखी है, तड़प रही है, बेचैनी है। आज कहा ना, तीर लगाओ शांति का, शांति के चुंबक बन जाओ वरदान में, शांति दाता बन जाओ। जहां पर रेत है वहां क्या करो, हरियाली, और जहां पहाड़ है वहां क्या करो, पानी। तो निश्चिंत जीवन वरदान है। जिस जीवन में कोई टेंशन नहीं है, बिंदास्त। या टेंशन है मधुबन निवासियों को? कोई टेंशन, आलू क्या किलो है, तेल क्या किलो है? कोई टेंशन ही नहीं है। दुनिया के लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं, इसी पर चर्चा होती है, महंगाई ये, महंगाई वो, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। यहां सब आराम से बैठे हुए निश्चिंत, भोलेनाथ का भंडारा है, सब अपने आप मिल रहा है। तो पहला, सबसे बड़ी सभा। दूसरा, केवल संगम पर लगने वाली सभा। तीसरा, ये विश्व भर की ब्राह्मण आत्माओं की सभा। और चौथा, सभी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में, रूहानी नशे में स्थित है, बेफिक्र बादशाह है। परंतु वैसा नशा भी चाहिए। फिर से वही बात, होश और बेहोशी की। नशा तब चढ़ेगा जब होश में होंगे, जब जागरण होगा, जब पता है कि मुझे ये मिला है, और जब भूले हुए हैं तो नशा गुम। एक राजा किसी जंगल से जाते रहता है, देखता है एक किसान है, एक लकड़हारा है, बहुत दुखी है, उदास है। पूछता है, क्यों इतने दुखी हो? कहता है, क्या करूं, रोज बहुत कष्ट से लकड़ियां काटता हूं। राजा को दया आती है, सोचता है इस राजा को पूरा एक वन दे दूं, चंदन की लकड़ियों का, और चंदन की लकड़ियों का एक पूरा जंगल उसे दे देते हैं। कुछ मास के बाद राजा उसी जंगल से गुजरता है तो देखता है यह लकड़हारा क्या कर रहा है, वो चंदन की लकड़ियों को जला रहा है। राजा पूछता है, तुम क्या करते हो? वो कहते हैं, वही काम जो पहले करता था, लकड़ियों को जलाता हूं, फिर जो कोयला मिलता है उसको बेचता हूं। च
चंदन का वृक्ष कौन सा और मैं क्या बेच रहा हूं, मिला क्या है चंदन का जंगल और मैं कर क्या रहा हूं। उसका तर्क भी सही है परंतु वो मूर्ख है, उसके लिए दंड नहीं है, शिक्षा है, अज्ञान है वो उसका, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछना कि मिला है चंदन का ये बगीचा, ये जंगल, और मैं क्या बेच रहा हूं। अवेयरनेस, होश, ये चार बातें। उसके बाद यहां पर हर एक के मस्तक में क्या है, नैनों में क्या है और सिर पर क्या है। मस्तक पर, मस्तक पे क्या है, चमकता हुआ मणि। सिर पे क्या है, ताज। और नैनों में क्या है, एक बाप की याद, याद का प्रकाश। क्या हमारे नैनों में उसकी याद का प्रकाश है, क्या हमारे नैनों में वो प्रकाश फूट पड़ा है, क्या ताज हमने पहन रखा है जिम्मेवारी का, सारे विश्व को शांत करना है, हम स्वयं कितने शांत हुए, तीर चलाओ शांति के, या हदों में फंसे हुए, काम कितना बड़ा है देहत का, क्या ये होश, ये भान, ये जागरण, ये अवेकनिंग, ये अवेयरनेस, ये होश रहता है कि हम विश्व के कल्याणकारी है, किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक सेवा केंद्र के नहीं, किसी एक स्थान के नहीं, किसी एक शहर के नहीं, किसी एक समाज के नहीं, किसी एक राज्य के नहीं, किसी एक राष्ट्र के नहीं, परंतु सार्वभौमिक सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी है, जागतिक सेवाधारी है। क्या विश्व की हम सेवा कर रहे हैं या प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे सभी कर्तव्य मुझे ज्ञात है या मैं भूला हुआ हूं अपने कर्तव्यों को, और अपने ही उलझनों में, अपने ही दुख दर्द में, अपने ही डिपार्टमेंट में, और अपने ही कमी कमजोरियों को मिटाने में, और अपने ही पुराने संस्कारों के से युद्ध करने में लगा हुआ हूं। एक संस्कार है जो हटता नहीं, एक संस्कार है जो कंट्रोल अब तक नहीं है उसके ऊपर, अब तक वो संस्कार निरंकुश है। कब कहां से आ जाता है पता नहीं चलता है, और हरा देता है मुझे, अब भी हराता है। एक प्रश्न और है, सेल्फ कंट्रोल की विधि क्या है, इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, आत्म निग्रह, स्वराज्य की विधि क्या है, क्यों स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पा रहे, उसकी विधि क्या है, कौन सी स्टेप्स है, कौन से सोपान है, कौन सी पॉइंट्स है जिसमें आत्म संयम हो जाए। तो ये सभा है सबसे बड़ी, ये सभा लग रही है संगम पर, ये सभा है विश्व भर के ब्राह्मण आत्माओं की, ये सभा है बेफिक्र बादशाहों की, ये सभा में हर एक के मस्तक पर मणि चमक रहा है, हर एक के सिर पर छठवां ताज है, सातवां हर एक के नैनों में याद का प्रकाश। उसके बाद में आठवां, इस सभा को देखकर भगवान हर्षित होते हैं। ऐसी भी कोई सभा है जिसको देखकर भगवान को खुशी होती है, ऐसी ये विलक्षण सभा है, अनूठी, ऐसी सभा संसार में कहीं नहीं है। उधर लोकसभा, राज्यसभा, उसको देखकर बाबा क्या होते हैं,
डैश डैश डैश, वो संसार की सभाएं है। इस सभा को देखकर उसको खुशी होती है, जरूर कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी होगी इस सभा में। वो जो एक ही बार आ रहा है 5000 साल में, वो जिस सभा को देखकर खुश हो, उस सभा में जरूर बहुत गुण होंगे, बहुत कीमती होगी वो सभा। कोई ऐसी लिंबू टिंबू सभा नहीं होगी वो। बहुत ही मूल्यवान सभा होगी वो, वहां का एक एक डेलीगेट चुना हुआ होगा, वी आई पी होगा, इसके लिए उसको खुशी होती है। अगला, ये सभा में सभी मायाजीत है, सभी स्वराज्य, सभी का बर्थ राइट है, सभी स्वराज्य अधिकारी है इस सभा में। मायाजीत, स्वराज्य बर्थ राइट, और सभी स्वराज्य अधिकारी है इस सभा में। ऐसी ये सभा है, हर एक अपने आप में एक पावर है, जिसमें कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी पावर हर एक में है यहां पर। और लास्ट 10वीं बात, ये सभा डबल राज्य अधिकारियों की सभा है। डबल राज्य अधिकारी कैसे? अभी भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। तो ऐसी ये सभा का भगवान ने वर्णन किया है, ऐसी विलक्षण अद्भुत अद्वितीय ये सभा है कि जिसे देखकर भगवान खुश होता है। तो बाबा ने ये तीन बातें आज की मुरली में कही, सभा, स्वराज, और तीसरा भगवान को क्या क्या पसंद है। अभी फिर से उस प्रश्न पर आते हैं, स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कंट्रोल, क्या कहेंगे, सेल्फ कंट्रोल कैसे लाया जाए, क्या करना पड़ेगा, कौन सी धारणाओं की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति स्वराज्य अधिकारी बन जाए, क्या कहेंगे? स्वराज्य नहीं रहने से क्या क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर चिंतन। चलो ये एक, और स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, अनुशासन, क्या करना होगा, जीवन को अनुशासित करना होगा, जीवन में डिसिप्लिन लाना होगा। कहां पर अनुशासन नहीं है देखो और वहां अनुशासन लाओ। एक दूसरा प्रतिज्ञा है, सौगंध, वाउ, व्रत, कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे, कुछ कसम लेनी पड़ेगी कि मैं ये करूंगा, फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता, ऐसा दृढ़ संकल्प। आत्म संयम के लिए तीसरी चीज दृढ़ संकल्प, संकल्पवान बनना है। संकल्पों में बल बढ़ता जाएगा जब एक एक संकल्प सिद्ध होते जाएगा। एक दिन का एक संकल्प, कल सारे दिन भर ये मुझे करना है, और जब ये मैं करूंगा तो शाम तक पावर आ जाएगी आत्मा में, क्योंकि खुशी होगी कि संकल्प पूर्ण हुआ। सोचा था ये करना है, सोचा था मुरली को 5 बार पढ़ूंगा और उसके ऊपर चिंतन करूंगा और कुछ कुछ बातें याद रखूंगा, और वैसा सही में किया दूसरे दिन, तो शाम तक नुमा शाम के योग में अज्ञात खुशी होगी, खुशी के फवारे फूटेंगे, कहां से पता नहीं, परंतु संकल्प पूर्ण कर दिया। तो अनुशासित जीवन के लिए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा से परिपक्वता आएगी, ओथ इंड्यूसेस मैच्योरिटी। अगला, टेम्पटेशन को आइडेंटिफाई करो, मेरे जीवन में कौन कौन से टेम्पटेशन है, कहां कहां मैं प्रलोभन में आ जाता हूं, कौन कौन मुझे खींच लेता है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, क्या है, और वो कौन सी स्थिति में और कौन सी जगह पर आते हैं वो प्रलोभन। दादियों से मुलाकात, आगे ब्रदर से मुलाकात में बाबा ने कहा है, माया कब और कहां कैसे आती है, तो वो ढूंढना, खोजना, पड़ताल करना,
कि ये प्रलोभन कहां से उद्गम है इसका। एक अगला सेल्फ कंट्रोल के लिए लिखना, इमोशनल कंट्रोल, कहां इमोशन बह जाते हैं, क्यों इमोशंस हिला देते हैं, अपने इमोशंस को लिखना और फिर देखना उसको साक्षी होकर कि ये भी मैं ही था। आत्मसंयम अर्थात इमोशंस पर कंट्रोल, आत्मसंयम अर्थात डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल वर्ल्ड मुझे खींच तो नहीं रहा है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मेरा कितना टाइम ले रहे हैं, क्या वो इतना टाइम तो नहीं ले रहे कि जिसमें मेरा ज्ञान योग का समय छीना जा रहा है इसके वजह से। डिजिटल कंट्रोल, परचेसिंग कंट्रोल, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल है ये, जो जो बताए, भावनाओं को कंट्रोल करना, संकल्पों को कंट्रोल करना, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, डिजिटल कंट्रोल करना, इच्छाओं को कंट्रोल करना, इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। कहीं ना कहीं स्वयं के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे अपने लिए कि मैं इसी दायरे के अंदर रहूंगा, और वहां पर लिख देना है बाबा ने मना किया है इसके बाहर निकलना। अपने आप को थोड़ा सा दमन की भी आवश्यकता है, जबरदस्ती की भी आवश्यकता है, और उन लोगों के संग में जाना कि जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो ऐसा स्वराज्य अधिकारी, ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे डबल राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अचल, अटल, अखंड स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।